तो देखिए दही बड़े बनने जा रहे हैं। वाइट उड़द की दाल है, 3 पाव उड़द की दाल है वाइट वाली, और 1.25 पाव मूंग की दाल है। दोनों को मिला के ही दही बड़े बनाने चाहिए, कभी इसके नहीं बनाने चाहिए, ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बादी होती है, क्योंकि इसमें मूंग की दाल मिक्स कर देना चाहिए। तो 1.25 पाव मैंने मूंग ली है पीली वाली, और धुली उड़द की दाल है वाइट वाली। तो चलिए पहले इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। देखिए इस तरह थोड़ी थोड़ी, पानी नहीं डालना है, बिल्कुल बिना पानी के इसको ग्राइंड करना है। देखिए दाल पिस चुकी है, और अब इसको एक ही उसमें डायरेक्शन में आपको ऐसे करना है 10-15 मिनट लगातार। ना अगर आपके हाथ दर्द हो जाए तो रुक रुक के कर लीजिए, लेकिन कम से कम 10 मिनट दाल को आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिससे ये अच्छे से फ्लफी बनते हैं दही बड़े। ये दाल को मैंने 15 मिनट फेंट लिया है अच्छे से खूब। जितना अच्छा आप फेंटोगे उतने आपके दही बड़े फ्लफी बनेंगे, है ना। और फिर आप थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च डाल लीजिए, हरा धनिया मत डालिएगा, और अदरक ज़रूर डालिए। अदरक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बार इसको फिर से फेंट लीजिए। ये 15 मिनट फेंट लिया है, फेंटने के बाद अदरक और हरी मिर्च मिला दिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर मिलाइएगा। स्वाद अनुसार आप नमक मिला दीजिए, और दाल को 10 मिनट रख दीजिए, फिर फ्राई करेंगे। थोड़ा रेस्ट के बाद ही फ्राई करना चाहिए, अच्छे फ्लफी बनते हैं। अब जब तक आपका देखिए उधर दाल रख दी और ऑयल हो रहा है फ्राई के लिए, इधर हम भगोने में ज़्यादा पानी डाल देंगे, करीब 2 लीटर, और उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे और थोड़ी हींग डाल देंगे, बॉयल होने देंगे, ताकि हमारे दही बड़े फ्राई होने के बाद हम उसमें कम से कम 1 घंटे डूबे रहने देंगे। आप जितना डूबे रहने देंगे उतने अच्छे बनेंगे, इसलिए 1 घंटे गर्म कुनकुने पानी में, बहुत गर्म ना हो, लाइट कुनकुने पानी में 1 घंटे आप दही बड़ों को भीगने दीजिए। इसलिए पानी को मैं बॉयल कर ले रही हूँ। अब आपको करना क्या है, एक बाउल में ले लेना है पानी थोड़ा सा, हाथ में ऐसे गीला करना है, बैटर को ऐसे उठाना है और ऑयल में ऐसे ऐसे डाल देना है। पानी लगाने से आपके हाथ में दही बड़े चिपकेंगे नहीं। देख रहे हैं कैसे फूल रहे हैं, साइज़ जस्ट डबल हो जाता है। 15 मिनट भिगोने के बाद इसको निचोड़ के देखिए, इस तरह निकाल लिए, देखिए कितने फूले। गुनगुने पानी में 15 मिनट भीगे रहने दिए, फिर ऐसे कर कर के निकाल लिए। अब बस दही में तैयार करेंगे सब डाल के। चलिए दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दही लिया है नॉर्थ इंडिया का, आप कोई भी मीठा दही ले सकते हैं। इसमें मैंने करीब 1.5 पाव भर की आधी शक्कर मिलाई है, और दही को अच्छे से फेंट लिया। और आपको कुछ नहीं डालना है इसमें, ना नमक ना मिर्च, दही को सिंपल ऐसे ही सादा रखना है। इससे दही बड़े का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो दही बड़े का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, आप देख सकते हैं, पतला ना करिएगा। तो चलिए अब दही बड़े की प्लेटिंग कर लेते हैं। अब जो दही बड़ों का मैंने पानी निकाल के रखा था, उन दही बड़ों को एक एक करके प्लेटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने स्पंजी बने, कितने ज़्यादा फूल के बड़े हो गए, आप साइज़ देख सकते हैं। अब इसके ऊपर से दही डालेंगे। जितना दही होता है दही बड़े उतने ही अच्छे लगते हैं। एक तरीके से आपको दही बड़े को बस दही को अच्छे से पिलाना है, ये दही में जितने डूबेंगे उतने टेस्टी लगेंगे। अब इस पे डालेंगे हमारा सीक्रेट सूखा मसाला, जो मैं बनाती हूँ वो मैं उसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर।
इससे टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये है वो सूखा मसाला। अब डाल देंगे खट्टी मीठी चटनी। अब डाल देंगे मीठी चटनी। अब डाल देंगे हरा धनिया। ये चाहे तो आप डालें धनिया, चाहे तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हर चीज़ में हरा धनिया अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए आप डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे दही भल्ले रेडी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे महीन वाले सेव ऊपर से। ये ज़ीरो नंबर भुजिया है, जो भी लीजिएगा ज़ीरो नंबर का सेव लीजिएगा, वही डाला जाता है। अब आप देख सकते हैं मेरे दही बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दही बड़े को एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।